ज्ञानेंद्री नाम है आपका, ये सब खोलने के लिए पागल हो रहे हैं। आगम सर, ज्ञानेंद्री का मतलब समझते हो? आपका आज्ञा चक्र मतलब ज्ञान चक्षु। कुछ भाई सिद्धियां लाइन में लगाने, काल भर आगे करने, मंदिर का हटाने और के काम से जुड़ा दे तो काल भर। कुछ भाई अरे दूसरी एक बूढ़ी गद्दी थी ना, चलो चलो फिर गद्दी अगले इनके घर लगाएंगे, ठीक है? दो कोच लगा दिए मैं जी, नाग माता का और नारायण का। कोई भी दिक्कत हो हिमांशु को फोन करना, मैं यहाँ से झाड़ा भेज दूंगा। महीना भर थोड़ी परेशानी रहेगी, पूजा पाठ किसी प्रकार की कर सकते हैं। अभी अभी नकारात्मकता निकली है तो घर में थोड़ा दबाव पड़ सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ईश्वर कुलदेवी देवता और पितरों की पूजा करते रहो, वह सुरक्षा करेंगे, ठीक है? बोलो तो एक देवता भी लगा देता हूँ ताकि मदद करे, ठीक है? ज्ञानेंद्री आप बन करिए। सांस फूलता है, छाती में वजन रहता है, सर में भार रहता है, झटके लगते हैं। पहले इलाज कराए थे भाई इनका कहीं? तो प्रेत तो कटा हुआ है, आप नहीं बोल रहे हैं, ऐसे घर में बैठ के कट गया, सब्जी है क्या? कहीं दिखाया होगा, उतारा हुआ होगा, किसी मंदिर में ले गए होंगे, कोई हवन कराया होगा। कैसी बात कर, ऐसे कट रहे होते तो मेरी गद्दी थोड़ी चल रही होती। आधा कटा हुआ है पैरों में और कमर में दबाव देता है, छाती और सर छोड़ रखा है। आप साथ में है, पति है इनके, लेकिन दर्द दबाव इनको उतना रहता है। आधा काटने में भी हमें कम से कम 3 चक्कर लगेंगे। ताकत और चीजें वो भी बंधन में, पुरानी बंधन तो खुले लेकिन दबाव उतना ही रहता है। कभी भी अजीब सी व्यवहार करती होगी, पेट पकड़ रही होगी, कंधों में दबाव, कमर से घूम के पेट में जाता है, उल्टी जैसी आती लेकिन उल्टी आती नहीं होगी, है ना बहन जी? गले में काटे और जबड़े में दर्द होता होगा। जाओ चौकी पकड़ो थोड़ी देर, 5 किलो नींबू काटते 3 बार।